तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू को। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके ऑल इंडिया 49 और कॉस्टिंग में 86 मार्क्स। क्या खाकर एग्जाम देने गए थे? घर का खाना खाए थे और पापा का आशीर्वाद लेके गए। पापा का आशीर्वाद लेके गए थे। हाँ सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम कोलकाता से। कोलकाता से। तो आपका जब रैंक आया तो वही पहला सवाल कि कैसी फीलिंग्स आई उस टाइम पर, कैसा महसूस हुआ, कैसा घर का माहौल रहा और कैसे? ऑब्वियसली जैसे तो अच्छी खबर सबको अच्छी लगती है, तो सर पहले तो रैंक का कोई उम्मीद था नहीं एग्जाम देने के बाद। फिर टैक्स का पेपर थोड़ा हार्ड आया था, बट आया 545 मार्क्स आया। मैं सोचा रैंक नहीं होगा क्योंकि नवंबर में रिजल्ट देखा था मैंने, तो 630 से रैंक शुरू हुआ था। तो फिर मैं कोई उम्मीद लगाया नहीं था कि रैंक आएगा, बट आया 540 मार्क्स। कॉस्टिंग में 86 देख के मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुआ, क्योंकि कॉस्टिंग मेरे को सबसे ज्यादा टफ लगता था और उसी में सबसे ज्यादा मार्क्स आया, सबसे ज्यादा मार्क्स। तो वो थोड़ा और चार चांद लगाया खुशी में। और फिर देखा, सोचा मेरिट चेक कर लेता हूँ। हाँ सर। खुशी को एड ऑन कर दिया उसने। हाँ सर कॉस। तो आपने कॉस्टिंग का पेपर 86 मार्क्स, आपकी सबसे ज्यादा नंबर इसी के अंदर है, 86 हाईएस्ट मार्क्स। हाँ सर। यस। तो आपने जो प्रिपरेशन की थी, जैसे कॉस्टिंग के अंदर कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था क्लास के अंदर, रेड डाइट अप्रोच, डीसीपी अप्रोच, एट बॉक्स अप्रोच, तो इनका बेनिफिट हुआ एग्जाम के अंदर आपको? एबीसी एट बॉक्स अप्रोच को सर मेरा ऐसे से नमस्कार है कि वो नहीं होता तो स्टैंडर्ड पोस्टिंग सॉल्व भी नहीं हो रहा था। हर बच्चा का एग्जाम से निकल के 85 स्टैंडर्ड पोस्टिंग नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड पोस्टिंग नहीं हो रहा, और मेरा एट बॉक्स अप्रोच को नमस्कार। वो नहीं बताते सर तो होता ही नहीं स्टैंडर्ड पोस्टिंग, ऐसा आया था। काफी एडवांटेज। और रेड लाइट अप्रोच भी सर अच्छा था, लेकिन हाँ सर रेड लाइट अप्रोच तो काफी अच्छा था बट उससे एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं। अच्छा, तो वो और हेल्पफुल होता वरना। हाँ तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की? सर आपका सर नवंबर तक तो मेरा ग्राफ काफी नीचे चल रहा था, बट सब दोस्त लोग को देखा अच्छा से एग्जाम देके आ रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत इजी है, तो मेरे को लगा मैं थोड़ा मेहनत करूँ तो शायद अपना मार्क्स अपग्रेड कर सकता हूँ। तो लास्ट का 2 महीना तो मैं सर 12-15 घंटा तो पढ़ा ही होगा डेली, 12-15 ऑन एवरेज। हाँ सर आखिरी के 3-4 सोच ही लिया था क्योंकि नवंबर के बाद से सर 12-15 घंटा का ठान लिया था करना है, अब फिर किया सर और आया। मतलब अपने आपको झोंक दिया आपने कि अब तो इसी में करना है मेरे को, लगे रहना बस। हाँ सर पढ़ाई करनी है और बस सोना है बीच में। हाँ सर। तो आपने एक दिन में कितने पेपर पढ़े एक साथ? सर एक दिन में बात करेंगे तो 2 पेपर पढ़ता था, लेकिन जब पोस्टिंग प्रैक्टिस करता था तब एक ही में पूरा दिन चल जाता था, क्योंकि मेरा आदत है हर क्वेश्चन को बार बार करना। कॉस्टिंग मेरा वीक सब्जेक्ट था आपको बोला मैं, तो उसमें पूरा दिन देता था और 15 दिन करके 3 बार कॉस्टिंग सॉल्व किया हर एक चैप्टर को। और कॉस्टिंग को वीक बोल रहे हैं, कॉस्टिंग में आपकी हाईएस्ट मार्क्स है 86। कॉस्टिंग आपको वीक लगती थी कि कॉस्टिंग मेरी वीक है? सर वीक था इसलिए तो उसमें ज्यादा मेहनत कर दिया। कॉस्टिंग में वीक था इसीलिए उसमें ज्यादा मेहनत की है और ज्यादा रिजल्ट उसमें आया। और एग्जाम भी सर आपके बुक से जितना, हाँ आपके बुक से सर ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आया था, तो और क्या चाहिए एक स्टूडेंट को, सब देखा देखा है, सब आया किया मैंने। देख के लग रहा होगा घर पे तो कड़ा था भी एग्जाम में आगे उठ के। आपने ऐसा लगा एग्जाम एग्जाम के अंदर कि घर पे तो किया था क्वेश्चन को, अभी उठ के एग्जाम में आ गया? हाँ रात को ही देखा, अभी सुबह सुबह देख रहा वो एग्जाम। और कितनी बार रिवीजन किया था आपने एग्जाम के पहले? सर कॉस्टिंग का तो 5 बार किया है। 5 बार ऐसे ही बोलूंगा आपके, हाँ आपके क्लासेस के साथ साथ, जैसे आपने एक चैप्टर कराया तो अगला को करने के पहले मैं उसका वापिस से सब सम सॉल्व करता था। अच्छा। तो वैसे कर करके एक बार तब हुआ, और फिर नवंबर में मेरा एम था एग्जाम देने का तो उस टाइम दे दिया था, बट लास्ट में आते ही मूड चेंज हो गया कि नहीं जनवरी में देते, तो 2 रिवीजन ऐसे हो गया, फिर 3 रिवीजन बाद में दिया जनवरी तक। 5 रिवीजन कर दिया, कमाल कर दिया पोस्ट में, और बाकी में 3 रिवीजन दिया था। अच्छा कॉस्टिंग में आपने 5 रिवीजन दिया, बाकी में सब में 3 दिया। तो जैसे अभी आपकी रैंक आ गई है तो स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर गाइडेंस कि भाई कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे रिवीजन करें,
कैसे नोट्स बनाएं, कैसे प्लानिंग करें? सर रही बात नोट्स की, तो अगर कॉस्ट में कॉस्ट अकाउंट्स वगैरह का बात करें तो टीचर लोग ही बहुत अच्छे से नोट्स बना के दे देते हैं, और थ्योरी में बहुत लोग अपना अपना सबका अपना अपना अप्रोच होता है, किसी को नोट्स काम आता है और किसी को बुक से ही हो जाता है। तो मेरा क्या था, मेरा बुक से हो गया, मेरे को कोई नोट्स अलग से बनाना नहीं पड़ा। और रहा बात पढ़ाई का, तो पहले अपने को गियर डालना चाहिए एकदम फाइव में, और ट्यूशन जम के कर लेना चाहिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम लास्ट में सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सके। तो वही मैं भी कर रहा था, बट मेरा क्या था, मेरे को सब बेस्ट टीचर से लेना था, तो सब बेस्ट टीचर होंगे तो सबका अपना अपना ज्यादा टाइम लेके पढ़ाएंगे। तो मेरा ट्यूशन होते होते लास्ट में मेरे को 2 महीना ही मिल पाया, और मैं 2 महीना जो था जम के किया सब, और फिर हो गया। और लोग को लेकिन ट्राई करना चाहिए कि लास्ट में 4 महीना वो लोग अपने हाथ में रखे कि अच्छा से रिविजन हो पाए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए वो लोग का। दो ग्रुप और रैंक की तैयारी करें, दो ग्रुप रैंक की तैयारी करें, तो 4 महीना तो मोर देन सफिशिएंट है। और 4 महीने में अगर 3-4 रिवीजन कर दिए तो बन गई बात, बन गई बात सर। फिर तो ऑल इंडिया रैंक 49 था, उससे ऊपर भी आया बिल्कुल आ सकता है। और पढ़ाई जब करते हैं एग्जाम के टाइम पर, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है कि यार प्लानिंग छूट रही है, नहीं हो पा रहा, आज मन नहीं है, तो उसे कैसे आपने मैनेज किया? वहां पे कैसे अपने अंदर आपने वो जज्बा कायम रखा कि आप पढ़ाई करते रहेंगे 15-16 घंटे? सर मैं वही बोला कि नवंबर तक तो मेरा वही हाल था कि मन लगता ही नहीं था एकदम पढ़ाई में, कि करना नहीं हो रहा है। कभी कोई फ्रेंड मूवी के लिए कॉल कर लिया तो मूवी चल गए, कभी कहीं पार्टीज में चले गए, तो वैसे होते होते नवंबर तो बर्बाद हो गया था सर। फिर नवंबर के बाद जब देखा करंट सिचुएशन कि अब टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत, तब फिर ठान लिया सर, अब ठान लिया और रूम में स्टार्ट पेपर लगा दिया कि अब जम के पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, नींद आए नींद को छोड़ दो और अभी पढ़ाई करो, तभी आगे कुछ मिलेगा, चांस सोने मिलेगा आगे। आपका अलग तरीके का मोटिवेशन है कि आप पढ़ाई में झोंक दो अपने आप को, बाद में देखा जाएगा, लगे रहो। और बाकी कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट, जैसे कॉस्टिंग तो आपको वीक लगता था, आपने 5 बार रिवीजन कर दिया, अच्छे नंबर लेके आ गए, कोई फेवरेट सब्जेक्ट था आपका कि भाई ये मेरा फेवरेट है, इसको पढ़ने में आपको लगता नहीं था कि प्लानिंग कर रहा हूँ? अकाउंट्स में मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि 10th तक तो मैं बहुत एकदम बेकार स्टूडेंट था, 60% वाला। फिर 11th-12th में अच्छा लगने लगा, कॉमर्स लिया तो अच्छा लगा अकाउंट्स में, फिर स्कूल टॉपर बना 12th में, फाउंडेशन में भी अकाउंट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आया, तो इधर भी अकाउंट्स में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और मेरे को लगा था अकाउंट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स भी आएगा, पर दो नहीं आया, चेंज हो गया। लेकिन उसमें मैंने ज्यादा रिविजन भी नहीं किया, उसमें ज्यादा रिविजन भी नहीं किया, उसमें खाली अच्छे अच्छे सम को प्रैक्टिस कर लेता था और हो जाता था। तो उसको एग्जाम के खाली 2 दिन अकाउंट्स में, तो मैं एग्जाम में लास्ट में 2 या 3 दिन रखा था बस, और उसके पहले 2 महीना पहले सॉल्व किया था अकाउंट्स बस। तो अकाउंट से वो चेंज हो गया, भी कॉस्टिंग पे आ गया हाईएस्ट मार्क्स। हाँ तो अब लग रहा है कि अकाउंट्स में भी फोकस करना चाहिए, फोकस करना पड़ेगा। तो 10th तक आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, 10th के बाद आपने मेहनत करना चालू कर दिया। हाँ सर, उसके बाद फिर आपने वही 60% वाला पिटाई करती घर पे, मार्क्स नहीं आ रहा है, ये नहीं तो वैसा ही स्टूडेंट था फिर। हाँ सर, अभी जब फिर रैंक आई तभी कैसा रहा घर का माहौल, घर वाले शॉक हो गए होंगे बिल्कुल? हाँ सर, बहुत शौक हुए थे, मैं खुद शौक था पहला बात तो, मेरे को कभी उम्मीद भी नहीं था कि मेरा आने वाला, बट आया, सबको अच्छा लगा, मिठाइयाँ बटी परिवार में, मिठाइयाँ कॉल्स आने लगे, मैसेज आने लगे। हाँ सर, ये तो एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी, और क्या चाहिए, कॉल्स पे कॉल्स, व्हाट्सएप पे कांग्रेचुलेशंस। हाँ सर, तो इससे अब थोड़ा उसको कंट्रोल किया हूँ, अब उसको कंट्रोल किया हूँ कि अब फाइनल में फोकस करना है, आगे भी फाइनल में लेके आनी है रैंक। हाँ सर, अब तो मेरा एकदम फिक्स है कि टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में आना है, और फाइनल बिल्कुल प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करनी है बिल्कुल, कि भाई कब कौन सी कोचिंग करनी है, आखिरी में 6 महीने कम से कम रखना है, रिवीजन करना है सारा, 4 बार 3 बार रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि आखिरी के 6 महीने बड़े क्रूशियल है फाइनल को लेकर। 6 महीने में अगर आपने सर वही मैं सोच तो बात बन गई, वही मैं एनालाइज भी कर रहा था कि 6 महीना कम से कम लगेगा उतना बड़ा वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करने में, 6 महीना कम से कम, तो मैं वैसे ही प्लान भी करूंगा अपना, वैसे प्लान भी करूंगा। और आपके यूट्यूब में वीडियोस भी है कि कैसे अपने फाइनल की स्टडीज को प्लान करें, तो वो देखेंगे, गाइडेंस मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखना गाइडेंस मिलेगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे आपकी डलेगी ना वीडियो यूट्यूब पर, तो जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे इंटर का, उनको भी हेल्प मिलेगी कि भाई कैसे पढ़ें, जैसे 15-16 घंटे आपने झोंक दिया अपने आप को,
तो ये मोटिवेशन कैसे लाएं कि यार 15-16 घंटे अब बस पढ़ाई करनी है, अब कुछ और नहीं सोचना, बस पढ़ाई करनी है। तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक मिलेगा कि यार 10 तक एवरेज और उसके बाद धीरे धीरे अच्छे नंबर और आज रैंक भी आ गए इंटर लेवल पर, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है। तो यूट्यूब पर जब ये डलेगी वीडियो तो स्टूडेंट कमेंट भी करके पूछेंगे, तो अगर आपसे भी कमेंट करके पूछते हैं कुछ तो आप वहां पर उनको और गाइडेंस देना और समझाना कैसे करा था, कैसे करना चाहिए, कैसे करें। हाँ सर, ऐसा मेरे को लिंक्डइन में भी बहुत लोग का मैसेज आया कि भैया बताइए स्ट्रेटेजी, मैं भी बताया, मैं भी लिया था लोग से गाइडेंस, मैं भी यूट्यूब में बहुत टॉपर्स की वीडियो देखा था कि कैसे लानी है, बस अपने में इम्प्लीमेंट किया और आया आज। वंस अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, और फाइनल में झंडे गाड़ते हैं। आप लोग का आशीर्वाद रहे, बिल्कुल आशीर्वाद है, आप लोग आशीर्वाद बना के रखिएगा सर, बस हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल आगे बढ़ोगे आप, और जम के मेहनत करना और जिंदगी में आगे बढ़ते जाना बस। थैंक यू।